द्रौपदी ने अपने बाल न बांधने का निर्णय क्यों लिया था? दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री राजकुमारी थी। द्रौपदी को चिरकुमारी भी कहा जाता है क्योंकि ये पंच कन्याओं में से एक थी। द्रौपदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाभारती, यज्ञसेनी, पांचाली आदि। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का विवाह 5 पांडव में से अर्जुन से हुआ था। अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, तब अर्जुन अपनी माता से बोले कि देखिए माँ, मैं क्या लेकर आया हूँ। कुंती बिना देखे बोली कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। पांडवों को अपनी माता का निरादर करना उचित नहीं लगा, इसी कारण द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी कहलाई। दोस्तों, द्रौपदी ने बाल ना बांधने का फैसला क्यों लिया था? यह रोचक कथा जो द्रौपदी से जुड़ी है, इसी ने महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया था। एक बार दुर्योधन युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए इंद्रप्रस्थ गया। दुर्योधन छल का शिकार हो गया और फर्श समझकर नदी में जा गिरा। यह देखकर द्रौपदी जोर से हंसने लगी और दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहा। इससे भरी सभा में दुर्योधन का अपमान हो गया। दुर्योधन ने इस अपमान का बदला द्रौपदी से लेने का फैसला किया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। द्रौपदी के चीरहरण होने से पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि कोई भी द्रौपदी का सम्मान नहीं बचा पाए। तब द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली कि दुशासन के खून से जब तक अपने बाल नहीं धो लेती, तब तक द्रौपदी अपने बाल को नहीं बांधेगी। चीरहरण की वजह से पांडव भी क्रोधित हुए। यह कारण ही महाभारत के युद्ध का कारण बना।